हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस टाइप का स्टेज बैकग्राउंड आप फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने फोटोशॉप विंडो ओपन कर लिए और एक कैनवास ले लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके सॉलिड कलर और कंट्रोल भी FF5400 का बैकग्राउंड ले लिया है मैंने। अभी मैंने एक इलस्ट्रेटर में मैंने एक स्टेज बना दिया है। जूम कर देता हूँ थोड़ा। एक्सट्रोटोर बेवल का यूज करके मैंने एक स्टेज बनाया है। बाद में अभी मैं एक क्लिक टूल का उपयोग करने वाला हूँ। इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और इसको लेयर को इसके पीछे ले लेता हूँ। अभी मैं इक्लिप्स का कलर सेम दे देता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा और वहाँ पे मैं इनर शेडो देता हूँ। इनर शेडो दिया है, थोड़ा नॉइज भी कम कर दिया है मैंने 5। बाद में 24:0 दे दिया है और साइज हमारा 54 है, 50 कर देता हूँ। और डिस्टेंस हमारा 17 है, उसको 15 कर दिया है। और ओपोसिटी हमारा 50% कर देता हूँ। अभी इसका मैं मार्क्स करता हूँ और जो बॉटम वाला पार्ट है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इतना सिलेक्ट कर दिया है मैंने पॉलीगन टूल से और यहाँ पे मैं इसको हटा दिया मार्क से। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको फिर से मैं थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ और स्टेज को थोड़ा ड्रॉप शैडो दे देता हूँ, इससे लगेगा कि ये थोड़ा स्टेज है, 3D कलर लुक आएगा। मैं यहाँ पे ले लिया है, इसमें मैंने एक ब्रश का स्ट्रोक दे दिया है, उसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ और स्ट्रेच कर देता हूँ। सेंटर में आ गया, यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा और स्ट्रेच कर देता हूँ दोनों साइड। और इसको आपको स्ट्रेच के नीचे जाने देना है, आपका थोड़ा 3D टाइप का दिखेगा। अभी एक क्लिप का मैं एक और कॉपी निकालता हूँ कंट्रोल जे करके और उसको कंट्रोल टी करता हूँ और इसको शिफ्ट और अल्ट के साथ माइनस करता हूँ। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अभी फिर से कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल टी करता हूँ और शिफ्ट और अल्ट के साथ उसको माइनस करता हूँ। और इसको थोड़ा डाउन ले लेता हूँ। अभी फिर से इसको कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और शिफ्ट अल्टर के साथ इसको मैं अंदर की तरफ खींचता हूँ और सर्कल को थोड़ा छोटा बना लेता हूँ। तो ये इस तरह आप स्टेज टाइप का बैकग्राउंड फोटोशॉप में बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।